राजस्थान में मॉनसून जून महीने से ही मेहरबान नजर आ रहा है। जून जुलाई और अगस्त से सामान्य से अधिक बारिश होने के बाद अब सितंबर में भी अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। और अगस्त के लास्ट की बात करें और सितंबर महीने की शुरुआत की बात करें तो ये भी बारिश के साथ ही हुई थी। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बारिश ने कितनी मचाई तबाही और सितंबर में क्या आएगा जलजला, तो जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सितंबर महीना जोरदार बारिश बता रहा है। चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगले एक सप्ताह तक दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और जयपुर मौसम केंद्र ने 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश राजस्थान में जगह जगह पर हुई है। आपको बता दें कि आसिंध गुलापुरा क्षेत्र में जो नदी है उसमें एक साथ इतना पानी आ गया काफी सालों बाद, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खुशी की लहर फैल गई। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। खुशियों के साथ साथ बहुत आफत की बारिश भी कई जगह बनती हुई नजर आई है, जिसका एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देखिए। राजस्थान के जसवंतपुरा के सुधा माता की पहाड़ियों का ये वीडियो है, जहां पर पर्यटकों को चपेट में इस पानी ने ले लिया था। हालांकि लोगों को बचा तो लिया गया, लेकिन पानी ने तबाही चारों तरफ मचा रखी है। देखिए इस वीडियो में। अब बात करते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की, जहां पर अचानक बारिश के पानी का बहाव एकदम से तेज होने के कारण सैकड़ों बकरियां पानी में फंस गई थी। इनको पूरा का पूरा गांव ने मिलकर रेस्क्यू किया और कुछ देर में इनको बचा लिया गया, जिसका वीडियो आप देखिए इस वीडियो में। अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति दिखाई दे रही है। रोड़े पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। पिछले दो महीने से लगातार बारिश आ रही है। नालों का पानी भी सड़क पर आ जाता है, जिसके कारण आम जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप भी देख सकते हैं। राजस्थान की बात हो रही है तो जयपुर को कैसे भूल जाए, क्योंकि राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा ही हादसा हुआ। बारिश का पानी बेसमेंट में भर गया था, जहां तीन युवकों की डूबने से मौत भी हो गई थी और एयरपोर्ट से लेकर सड़कें तालाब बनती हुई नजर आई इस पूरे बारिश के मौसम में। आप भी देखिए नजारा इस वीडियो में।
अब बात करेंगे सितंबर महीने की। ये तो था अभी तक का कहर बारिश का। राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान मॉनसून सक्रिय रहने वाला है। अब तक इस सीजन में 557 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 50% ज्यादा है। केवल अगस्त की बात करें तो 345 mm बारिश हो चुकी है, जो 121% सामान्य से ज्यादा है। एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर बारिश नहीं हुई हो। दक्षिण राजस्थान में सामान्य बारिश रही, लेकिन पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अति वर्षा यहां पर हो चुकी है। और जयपुर मौसम केंद्र के कारण 22 जिलों में अगले एक सप्ताह तक अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, अलवर, बारा, भरतपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ साथ दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोंक, सिरोही, उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 24 घंटों में, यानी कि आने वाले 24 घंटों में बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा 101 mm वर्षा दौसा में होने वाली है और हो चुकी है। ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लेकिन अब जो सितंबर महीने के हालात हैं वो बद से बदतर होने वाले हैं, जहां पर पूरा का पूरा प्रशासन, तमाम तरह के इंतजाम, सब कुछ फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी अब तक की बारिश की रिपोर्ट। सितंबर महीने में हो सकता है कि ये और भी ज्यादा तबाही मचाए। एक जलजला आने की संभावना भी राजस्थान में लग रही है और अब राजस्थान रेगिस्तान नहीं जलिस्तान नजर आ रहा है। कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। आई विल बी द वाइब्रेंट स्पोक्स पर्सन ब्रिंगिंग योर मैसेज टू लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू माय गिग। आई कैन बी योर फर्स्ट गो टू स्पोक्स पर्सन फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रमोशनल वीडियोस एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी योर वॉइस। आई कैन बी योर स्टोरी टेलर और योर ब्रांड फेस दैट ब्रिंग्स योर मैसेज टू लाइफ। With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively. And to leave a lasting impression, so do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.